जनाड़ी उच्ची आवाज कढ़ेगा मेरे साग पता नहीं कीड़े पाए मेरे किया रोला ओ मलंगिया ओ किने मार गिये मलंगी कमाल ही खड़ी है पता नहीं किने मार गिये ओ लाख लगते बेवकूफ ना तेरा हक बन ले ते गेट ते खड़ चवालिया ना तेन ता मैं रखो है टोकर करे लुक पो मैनू तू गोली मरा है तेनू मैं केड़ शाह तनखा देना तेरा हक बनने गेट ते खड़ तू टोकर तले लुका पे कोई मेरू गोली मार वजे ते तेरा प्यू जिम्मेवार है दस मेनू अगे बार साहब ने मेरे उते 20 लाख रुपए डिग्री की तो है भाई जेड़ा को गोली मरे थी उनू 20 लाख इनाम मिल सी ते मैं हुण अंदर समझा पिया इत्थे बूहे ते मार के खड़े चौकस होके खड़ो चार चफे नु नजरा कर अचानक कंपनी दा ओनर केशा अचानक कंपनी दा ओनर ड्यूटी करीम ते रखी कर पता नहीं भूल दे क्यों तनखा ले तो तुसा नहीं भूल दे उंगले ते आज मैं चौधरी साहब 500 फालतू दे चा मैं घर वाले नु कपड़े घेरने वाले तुहानू याद कह नहीं डोन दा कोई काम कार मलंगी आओ ये तो लंबरदार दुश्मनी वाला बंदा है ये तो मैनू भी गोली मरी सी ओए मैं तो हले शादी नहीं कराई मलंगी की बनसी चाल लल्ला दे बंदे टोकरे वे पुकड़ी दे मुंह वाला मुंह चाट के नहीं तगड़ो ते मैनू कड़ बार एसी भी कोनी एसी तो लवाए करो चा मुंह चाट ते किडनैप करना आवेंदे बकवास बंद कर मैं तेन आधा पिया जो ज्यादा बकवास की हुई तो मैं 5-7 कुत्ते थे अंदर छोड़ दे शब्बू बदमाश देखा तो नहीं अपने घर वाले फोन कर के शब्बू बदमाश 50 लाख रुपया मंगता पिया 50 लाख का मुंह है तेरा बकवास बंद कर फोन कर ए मोबाइल दूर पे दे डैडी शब्बू पहलवान हां ए मेनू विरासत दी शोर लगदी आ नहीं पागला मेनू पागलियां दी शोर मालूम होंदी जल्दी जल्दी कर उन्हें फोन करके पैसा मंगवा फावड़ा दे मैं ना उरा किडनैप किया ने डरदी नहीं है तू शब्बू बदमाश तू नहीं डरदी पाई तू शब्बू बदमाश है फोन करके पैसे जल्दी मंगवा कितने 50 लाख रुपया आए थे अपनी शक्ल टी भी 50 लाख डैडी जल्दी आ मरे मेरे छोड़
रिच अबू मेरे ना 50 लाख रुपए का बंदोबस्त की थी खड़ोता है। 50 लाख रुपए यार तू क्या मस्ता पे है अबू बदमाश माया 50 लाख रुपए मेरे को आ रहा तू क्या मस्ता 50 लाख मेरे वाला आ रहा है चुप करके खड़ो कितनी देर बाद आ रहा तेरा प्यो घंटे बाद यार मेरा दरवाजा तेरी कन्नी खोल दे मत मार के तेरा मुंह बांध दे है यार मेरा की यार मैंने ये 10-2 दे हो गए मेरी जीद है पता नहीं लग जाती है इलाके इलाके च मैं पता कर ली है हर जगह मैं देख ली है पर मेरी जीद है मेरे पता नहीं लग जा पिया इवे करने है आप अद्दू में थाने चलने हैं जाकर रिपोर्ट करने हैं यार नाना चौधरी साहब रपट ना करवाओ लोग क्या हाल से चौधरी की थी भाज गई है बेगैरत मार के चौधरी साहब तेरे लगता है तेरी खुद के सट्टा बकवास कर रहे चौधरी बेगैरत कर दिया हैं सच्ची गल की थी चौधरी साहब सच्ची गल की हूं 10 मिनट के करिए के हूं मैं तू साहब को एक मशवरा देना के इलाके दे विच है डॉन बहु मशहूर डॉन है उंदे नाम है नंबरदार डॉन अब हुंदे कने जुलदे से ओ अपना मसला हल करे सी ओ लोकां ने काफी मसले हल कीती खड़े अच्छा जी हां हेलो हाँ मेरी दी हाँ कितने तू हैं मैं सिद्ध के जावा मैं चुने से अपनी दी रू दी कितना मांगने पे हाँ मैं 50 लाख दे इंतजाम कर लेना मैं कर लेने मैं हम ना हाँ मेरी दी मैं उन्हें मैं कैसे करके पैसे ना मैं आंधा पी ना मेरा बच्चा रो ना मेरा बच्चा मैं आया मैं ठीक है मेरी दी ठीक है मैं उन्हें आंधा पी चौधरी साहब काफी बंदे ने मसले हल की थी खड़े अगले फेरे अपने हमसाया दा कट्टा चोरी थे वो वापस करवा दिते हूं तो नाल वाले बंदे दी मुर्गी चोरी थी वो वापस करवा दीती है ओ यार ते मुर्गी है मेरी ते दी है दी ओ चौधरी साहब हल करवा ले से तू सा मेरा आख्या तो मनो जुलो तो सही हूं कने अच्छा चल चोर चलो देर ना कर चोर ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਿ ਨੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਓਏ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਈ ਹੈ यार नशाइए चल वापस चलिए यार की है नशाई अरोला क्या मैं तो दसो ओ यार सर नंबरदार बदमाश नु मिलना है यार नंबरदार अल्लाह दे बंदे आ ओ दुश्मनी दारी वाला बंदा मैं इस कोलो टोकरे ठ बड़या बैठा भी कोई मैनू ना गोली मार देवे बाकी तुसी टेंशन नहीं लानी नंबरदार डाउन बंदा है अल्लाह दे बंदे हो तुसी दसो गल करो यार ए छुड़ा के लेके असन मेरी धी नु जड़े आप गोली तो डरते बैठे नहीं छुड़ा ले सन चौधरी साहब तू डाउन है और तेरा प्यू डाउन है हैं और चाले मेरी कलाशन और नहीं डाउन ना कौन सा कार्ड को लाया है मेरी धीरू कोई बदमाश चाह के लाया गया नहीं है पता नहीं कितने खड़ी गई है कितने गई है उसे पर आया भी किधर तू सलाब के लाया हो एक दसो और तू सा लोगा दिया जवाब गिनने में हैं ते उन्हें तो ख्याल नहीं में रख सकता हमारी तेरी किधर आई और घर ऊपर निकली है दोबारा पता नहीं लगा किथे गई किथे नहीं तेनू की पता तेरे धीरू कोई बदमाश चाह के ले गई है कोई शक शुबा है कहीं दे मैनू कहे ते कोई शक नहीं ना कहे नाल मेरी दुश्मनी है पता नहीं किथे गई है दबा किथे मुकाला मलना है जेने ते कोई शक शुबा ही कहे नहीं नंबरदार साहब ऐ मेरे नौकर दसे है के तुसा कह दी मज भी एक बरामद करा के लिया दीती ठीक है एक बकरी बरामद करा के लिया दीती बराबर कर
फोन आ गया, फोन। हेलो मेरी दी। ओए रो ना, नंबर दा ते तेरे ते कोई नहीं रोंदा। दी दे फोन। अच्छा ठीक है मेरी दी, अच्छा हूं अपड़ दे थाई पैसे लाके। हाँ तू टेंशन ना ले, चुप चुप मेरी दी। बदमाश ओनू ढके होया जी, आ 50 लाख रुपया लाया ते अपनी धी नू लै जा। परेशान ना थी, तू टेंशन ना कर, मैं ते ना जूंगा। ठीक है, तेरी धी तेरे हथे फदवे ना। कितने पैसे मंगे नी? 50 लाख रुपया। उठे खड़, चलो उठे। और कितने पैसे? 50 लाख आ गए जो। ए पिया तेरा 50 लाख। लो आजाद कर, आ मेरी धी। अब्बा बस बस बस, आ घर वन चोचले करे। अब्बा घर कलिया टोर पोदी में सानू अगाप ते दे नहीं में, तेनु पता कोई नहीं। मैं तू जवान सारी है, कोई भिरा नू, कोई चाचे मामे नू, या किसी हो नू नाल लाया कर टोर। कली भाज वक दियो बाजार है, अच्छा चोपेंग करा बंदू है, चोपेंग। शॉपिंग तुम्हारी घर नहीं थी सकती है। चंगा भला कड़ियल जवान है, जवान दी नू घर भेज ने, और तेनू शर्म आवनी चाहिए। कर वजे दफा वजे हो चले तो पैसे 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया शब्बू बदमाश नाल दो नंबरियां। नंबरदार गल सुन, शब्बू बदमाश नाल दो नंबरियां जूतियां लैके आया पैसे की जगह। तू सारी जिंदगी इस जेल दे सरसेंगे ते मरसेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर इशफाक आज हकीम चौधरी नूर मोहम्मद साहब के पास हाजिर हैं। इनसे मैंने 2 कोर्स मंगवाए थे बे औलादी के। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग साहिब औलाद हैं, और इसी से मुतासिर होकर मैं एक मरीज़ भी लेके आया हूँ और इनसे सवाल करता हूँ कि क्या तिब नबवी में इसका इलाज 100% है? जी बिल्कुल है, हमारे पास ऐसा इलाज है जो कि एलोपैथिक में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का मिजाज गर्म और खुशक होता है। हमारे पास जितने भी नुस्खे जाते हैं उनका मिजाज मुतदल होता है। तो लिहाजा एज़ोस्फर्मिया से लेके बे औलादी के जितने भी पेशेंट हैं
उन तमाम अमराज का तिब्बे नबी में अल्लाह ताला के फजल व करम से मुकम्मल कामयाब गारंटी के इलाज किया जाता है, और वो भी एक मुख्तसर से अरसे में 40 से 50 या 60 दिन के अंदर मुकम्मल इलाज किया जाता है। तो ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी, ये पहले भी इन्होंने दो पेशेंट की मेडिसिन मंगवाई थी, आज ये तीसरा पेशेंट बाजार तो खुद लेके आए हैं, इनकी बहुत मेहरबानी है। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से ये मेरे मालिक का फजल है जो कि हमारे हाथ से शिफा रखी हुई है, तो ये अल्लाह ताला का खास फजल और करम है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।